गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड तो इस वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो था नेशनलिज्म इन इंडिया का आगे का पार्ट देखेंगे, तो जिसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या चेंजेस आए और इंडियंस में क्या क्या चेंजेस आए, वो लोग कैसे मोटिवेट हुए कि अब हमको नेशनल मूवमेंट करना चाहिए। तो देखते हैं, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनल मूवमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में, तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, ये आंसर जानने से पहले हम कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या हुआ था और इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई थी उसमें, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था 28th of July 1914 को, ठीक है, और वो 11th November 1918 तक चला था, 4 साल तक चला था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, उसमें से एक ब्रिटेन भी था, ठीक है। तो अब जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया में थे, वो इंडिया में कब्ज़ा करके बैठे थे। तो क्या हुआ था कि वो लोग को जब फोर्स चाहिए थी, आर्मी फोर्स वर्ल्ड वॉर वन में यूज़ करने के लिए, वहाँ लड़ने के लिए, तो वो इंडियंस को आर्मी बनाकर वहाँ भेजते थे और वहाँ लड़ाई करवाते थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ कि जो वॉर हुए थे उससे बहुत सारे चेंजेस आए, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स चेंज हुए, इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ, या जो भी है पैसे की कमी हो गई, खाने पीने की कमी हो गई, तो बहुत सारे चेंजेस हुए इंडिया में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। क्या हुआ था कि जो डिफेंस में, अब जो वॉर के टाइम में आर्मी फोर्स लग रहा था उसमें जो भी चीज़ें डिफेंस की यूज़ हो रही थी उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था, खर्चा तो उसमें लगेगा ही, तो खर्चा लग रहा था तो वो वॉर लोन से, और कहाँ से आ रहा था, एक टैक्सेस से आ रहा, कस्टम ड्यूटीज से। कस्टम ड्यूटीज यानी कि जब कोई सामान एक इधर से उधर हम लोग लेकर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स लगता वो होता कस्टम ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, इनकम टैक्स ला दिया, तो वहाँ के लोगों के लिए ये तो मुश्किल हो गया कि अब जो वॉर में जो खर्चा हो रहा है वो इनडायरेक्टली इंडियंस के थ्रू लिया जा रहा है वो पैसा, है ना। तो टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिए, ठीक है, ये दोनों हुआ। उसके बाद थर्ड क्या हुआ कि हाँ, प्राइजेस इंक्रीज़ हो गए, अब रेट जो है प्राइस हो, जो मार्केट में जो भी चीज़ें उनके प्राइस इंक्रीज़ हो गए क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो गया। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में पैसा ज़्यादा लग रहा है तो वो सामान बिकेगा भी ज़्यादा में, तो उसमें क्या हुआ, प्राइस डबल हो गए, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो है वो सब चीज़ के डबल हो गए। तो 1913 से 1918 के बीच का जब वॉर का टाइम था तो उसमें क्या हुआ कि प्राइस जो है वो डबल हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, कॉमन पीपल जो थे वहाँ के उनके लिए हार्डशिप हो गया, यानी कि उनके लिए मुश्किल हो गया वहाँ जीना, क्योंकि जितना जो था उनका जो खर्च था वो दुगना हो गया। फिर क्या हुआ कि विलेजर्स जो थे उन लोगों को बोला जाता था कि आप आओ आर्मी ज्वाइन करो, सोल्जर बन जाओ, ठीक है, और फोर्स रिक्रूटमेंट होता था। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि जो कॉलोनियल स्टेट था यानी कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग फोर्स करते थे लोगों को कि नहीं, आपके फैमिली से जो भी एक है उसको फोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा, आर्मी में ज्वाइन होना पड़ेगा वॉर के लिए। तो वो लोग को जब आर्मी चाहिए तो वो लोग कहाँ से लाएंगे, वो लोग ज़बरदस्ती क्या करते थे, फोर्सफुली रिक्रूट करते थे। तो इससे भी क्या हुआ कि एग्रेशन हुआ लोगों में, वो लोग में गुस्सा हुआ, मतलब वो लोग इसका अपोज करना चाहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1918 से लेकर 1921 में 21 तक, इतने ड्यूरेशन में क्या हुआ, 3 साल लगभग, कि क्रॉप्स जो थे बहुत सारे जगह के इंडिया में वो फेल हो गए, क्रॉप्स फेल हो गए। तो क्रॉप्स फेल हुए तो क्या हुआ, खाने की शॉर्टेज हो गई, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड में कमी हो गई,
तो क्या हुआ कि माल न्यूट्रिशन तो होगा ही, क्योंकि अब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ठीक से, तो न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो क्या हुआ, और इसके साथ साथ एक और चीज़ हुआ जो था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी कि वायरस, इन्फ्लुएंजा यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो वायरस से इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो वायरस उसमें फैल गया वहाँ लोगों में, मतलब एपिडेमिक मतलब कि आउटब्रेक हो गया, मतलब कि फैल गया, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उस टाइप ही क्या हुआ कि वायरस वहाँ फैला, बीमारी फैलने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में एक तो खाने की कमी, ऊपर से बीमारियाँ। तो उस टाइम का जो सेंसस था 1921 का, उसे ये पता चला कि 12 से 13 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या, वो इफ़ेक्ट हो गए हैं इससे, ठीक है, वो इफ़ेक्ट हो गए हैं ये एपिडेमिक से, है ना। तो इतना कुछ हुआ वर्ल्ड वॉर के कारण। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो हमारी जो भी हार्डशिप है यहाँ की वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद भी इनकम टैक्स लगे ही रहे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़े ही गए, बढ़ते ही गए, और इनकम टैक्स वो लोगों से लेते रहे। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों में क्या हुआ, एक एग्रेशन हुआ और एंगर आया कि नहीं, हमको मतलब हम इनके अंडर अब काम नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट के लिए स्पार्क जगा, ठीक है, स्पार्क हुआ। तो नेशनल मूवमेंट क्या हुआ, इससे ग्रो हो गया ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो अच्छा ही हुआ एक तरह से, कि अगर नहीं होता तो फिर शायद लोगों में इतना एग्रेशन होता ही नहीं कि ब्रिटिशर से छुटकारा पाना है। तो ये था सारा पॉइंट जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा। और कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये इंडियन आर्मी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, ये इंडियन आर्मीज़ की फ़ोटोज़ हैं उस टाइम में, कैसे आर्मीज़ के लोगों कैसे कैसे होते थे, कैसे काम करते थे। सारे इंडियन के ही आर्मी, मतलब उनके जो इंडियंस के जो होते थे लड़ाई करने के लिए, जो वो लोग भेजते थे वो इंडियंस को ही भेजते थे, क्योंकि अच्छा है उन लोग के लिए, एक तरह से फ़ायदा हो जाता था, है ना। तो यही था, मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।